हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मामा। होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रोकली कटलेट। कई बार हम मार्केट से ब्रोकली लेके आते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या बनाएं। तो आज हम बनाएंगे सिंपल और शैलो फ्राई ब्रोकली कटलेट, जो घर में ही अवेलेबल चीज़ों से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उबले हुए आलू हैं 8 से 9, जो मैंने अच्छी तरह पानी में उबाल लिए हैं। न ज़्यादा पानी लिया है न कम पानी लिया है, ताकि आलू का मिक्सचर बराबर आए। 200 ग्राम ब्रोकली है, जो मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 9 लहसुन की कलियां, काली मिर्च पाउडर 3/4 टीस्पून लिया है। पेपरिका है 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। बटर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। बेसिल 1 टेबलस्पून लिया है, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास बेसिल ना है तो इसे स्किप कर सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून। इसका फ्लेवर इस कटलेट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे स्किप ना करें। ब्रेड क्रम्स है कटलेट को रोल करने के लिए। तेल लिया है कटलेट को शैलो फ्राई करने के लिए, और चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्राएं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छी तरह से लिस्ट की है, तो आप वहां पे जाके चेक करते हैं। तो आइए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। एक लहसुन की कली रहने दे और बाकी सबको ब्रोकली के साथ एक चॉपर में डालकर चॉप कर ले। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे एक किसनी की सहायता से कद्दूकस भी कर सकते हैं। जो लहसुन की कली साइड पे रखी थी उसे आप एकदम बारीक बारीक चॉप कर ले। पैन में बटर डालकर धीमी आंच पर लहसुन को 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं। फिर उसमें ब्रोकली डालकर 5 से 7 मिनट तक और पकाएं। याद रहे गैस की आंच धीमी रखें। फिर गैस को बंद करके इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने दें। आलू को इस तरह एक बड़े बर्तन में आप ले लें। फिर उसमें पेपरिका, काली मिर्च पाउडर, बेसिल, मिक्स्ड हर्ब्स, नमक और ब्रोकली डालकर अच्छे से मिक्स करें। चीज को कद्दूकस करके डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इस मिक्सचर के अच्छे से बॉल्स बनाएं और फ्लैट करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर दें। एक नॉनस्टिक तवे पे मीडियम फ्लेम पे 2 या 3 चम्मच तेल डाल के दोनों साइड अच्छी तरह से पका लें। ब्रोकली कटलेट को गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व करें। बारिश के मौसम में ब्रोकली कटलेट बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ब्रोकली कटलेट एंजॉय करें। थैंक यू, बाय।